हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री नहीं करने वाले। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लेजर करेंगे, डायरेक्ट लेजर। वर्किंग बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लेजर कैसे कर सकते वो भी बता रहा हूँ। टाइम सेविंग होगा अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो, नहीं तो फिर जर्नल एंट्री बनाओ फिर लेजर बनाओ तो ज्यादा टाइम चले जाएगा। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। श्याम सुंदर लिमिटेड इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड मतलब परचेज किया। कितना परचेज किया? $400,000 का परचेज किया है फ्रॉम हॉग एंड कंपनी यूएसए। कौन से तारीख को? 10 अगस्त, जब एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था? 41। श्याम सुंदर एग्री टू पे द अमाउंट। भाई परचेज किया तो पे तो करेगा ही, और पे करने का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब लाख लाख का इंस्टॉलमेंट होगा। 4 लाख का इंपोर्ट है मतलब लाख 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 लाख, इसे 4 इंस्टॉलमेंट। कभी कभी पे किया है सितंबर अक्टूबर नवंबर, एक ही साल में पे कर दिया, मतलब 2 एकेडमिक ईयर नहीं है बराबर, तो 2 फाइनेंशियल ईयर भी नहीं दिए। प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्याम सुंदर लिमिटेड। भाई सिर्फ और सिर्फ FEF अकाउंट बनाने का और कुछ भी नहीं, जो अपन रफ में बना दे दे बराबर। आपको चाहिए तो वर्किंग बना सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। वर्किंग में अगर मैं देखूं तो सबसे पहला कौन सी ईयर का इंफॉर्मेशन है? 2013 14। पहला है 10 अगस्त को आपने क्या किया? परचेज। तो 10 अगस्त को मैंने परचेज किया, कितना परचेज किया है? $400,000। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 41। फिर पेमेंट किया 10 सितंबर को, 10 सितंबर को पेमेंट किया $1,00,000 का 42.25 में। फिर 10 अक्टूबर को पेमेंट किया $1,00,000 का 40, 1 लाख कहाँ से है समझा ना पक्का? 4 लाख इन 4 इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 4 करके। फिर 10 नवंबर को पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया? $1,00,000। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 43.5। और फिर 10 दिसंबर को पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया? $1,00,000 एट 43.7। क्लियर यहाँ तक? एक साल का इन्फॉर्मेशन है, और कुछ करना है क्या? नहीं, नो जर्नल एंट्री ओनली लेजर। FEF अकाउंट, FEF कब आता है? जब पेमेंट करते हो या पेमेंट रिसीव होता है। पहले में FEF आएगा क्या? इधर पेमेंट किया तो FEF आएगा। कैसे? अब ये नहीं बनाया तो भी चलता है, डायरेक्टली इधर से भी कर सकते थे। भाई मैंने परचेज किया था 41 में, पेमेंट किया 42.2, ज्यादा किया मतलब लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? $1.25 का लॉस हुआ। जो भी लॉस है FEF अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। डेबिट में किसके वजह से लॉस होगा? हॉग कंपनी है नहीं, तो $1,00,000 पे 1.25 मतलब 1,25,000, 1,25,000 का लॉस है। जो भी लॉस है FEF अकाउंट में डेबिट में, कौन सी तारीख को? 10 सितंबर को, तो टू हॉग कंपनी कितना? 1,25,000। समझा? अरे समझा? फिर से पेमेंट किया, अभी पेमेंट कितना किया? 43। खरीदा कितने में था? $2 का लॉस, फिर से लॉस है, एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हॉग कंपनी 2 लाख बराबर। फिर पेमेंट किया 43, यहाँ पे $2.5 का लॉस, लॉस ही है ना, फिर से डेबिट ही होगा, टू हॉक कंपनी 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपया बराबर। फिर पेमेंट किया 43.75, 2.70 का लॉस। और कुछ है क्या? और कोई फॉरेन एक्सचेंज आएगा क्या? बैलेंस है क्या? नहीं, मतलब क्लोजिंग कर लेंगे, टोटल ले लेते, बैलेंस कहाँ चले जाएगा? प्रॉफिट एंड खत्म हो गया सब। समझा सब? हाँ ऐसा डायरेक्ट लेजर। FEF अकाउंट खाली नहीं पूछेंगे, FEF खाली अकाउंट नहीं, 7 मार्क्स का सम, 7 मार्क्स का सम ऐसा आएगा, सिर्फ FEF अकाउंट प्रिपेयर करो। क्लियर? ऐसा एक एकेडमिक ईयर में 2 फाइनेंशियल ईयर भी आ सकते हैं और कुछ भी नहीं है। इफ 1 फाइनेंशियल ईयर था 2 फाइनेंशियल ईयर भी आ सकता है। लॉजिक क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। प्रिपेयर WMS अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिसेस रमन इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द ईयर एंड। WMS कौन है जरा चेक करना पड़ेगा, FEF अकाउंट नहीं बनाना। ऑन 31st October 2012 मिसेस रमन इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स $60,000 टू WMS कंपनी, मतलब जिसको सामान बेचा है तो सेलर का अकाउंट बनाने का है। समझ में आया क्या? इन शॉर्ट बायर का अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर कौन है? रमन। अकाउंट किसका बनाने का है? WMS का। WMS मतलब मेरा बायर हुआ ना, मुझे बायर का अकाउंट बनाना है किसके बुक में? सेलर के बुक।
अंडरस्टूड, पहले वर्किंग बना लेते हैं। ईयर एंड क्या है? मार्च ही है, तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर। कौन से साल का है? 2012, तो 12 और 13 का कैलेंडर बनेगा। अक्टूबर 31 को मैंने सेल्स किया है, तो अक्टूबर 31 को सेल्स किया है कितना? $60,000। और डॉलर का रेट क्या चल रहा था? यहाँ पे दिया है 31 अक्टूबर का डॉलर का रेट क्या था? 45। ये समझा? हाँ, फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला है? भाई पेमेंट वॉज मेड इन इंस्टॉलमेंट। पहला पेमेंट किया 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को गए, कितना पेमेंट किया? $18,000। और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 44। फिर 1 फेब को पेमेंट किया, 1 फेब को पेमेंट किया है $12,000। डॉलर का रेट कितना है? 46। 10 मार्च को पेमेंट किया है $12,000। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 43। साल खत्म हो गया क्योंकि अप्रैल में जा रहा है, तो ईयर एंड का रेट मालूम होना चाहिए था, तो ईयर एंड का रेट मालूम है 44। समझा? न्यू कैलेंडर ईयर बना देंगे वापस, 14 का बनेगा। पहला पेमेंट 17 अप्रैल को आ रहा है, तो 17 अप्रैल को पेमेंट आ रहा है $10,000। डॉलर का रेट 46। फिर 19 मई को आ रहा है, डॉलर का रेट कितना है भाई? $8,000। 47 के हिसाब से बात समझा? वर्किंग क्लियर? ये नहीं बनाया तो भी चलेगा, पर ये बनाने से प्रेजेंटेशन ईजी हो जाएगा। क्लियर है? अकाउंट बनाने का, किसका अकाउंट? तो अपने को बायर का अकाउंट बनाना। देखो यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या बन रहे हैं। डेट पर्टिकुलर, यूएस डॉलर, रेट पर यूएस डॉलर, अमाउंट। डेट पर्टिकुलर, यूएस डॉलर, रेट पर यूएस डॉलर, अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है? हाँ जी, स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला सेल्स किया, सेल्स किया तो सामान किसको सेल किया? WMS, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो WMS अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट में क्या लिखूंगा? टू सेल्स, बेचा ना उसको, तो 31 अक्टूबर को टू सेल्स, कितना सेल्स किया? $60,000 एट द रेट 45। तो $60,000 एट द रेट 45 के हिसाब से कितना आ रहा है? 27 लाख। समझा? अरे समझा? अब सेल्स किया तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, WMS अकाउंट क्रेडिट, बराबर। तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। तो भाई क्रेडिट 1 दिसंबर को बाय कैश और बैंक, कितना पेमेंट आएगा? $18,000। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 44। तो 18 × 44 करो, 7,92,000। पेमेंट करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ही आएगा। हाँ, तो एक्सचेंज डिफरेंट आएगा, जरा चेक करते। बेचा कितने में था? पैसा कितना आ रहा है? लॉस हो रहा है। एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट, तो इसका अकाउंट क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो बाय FEF अकाउंट, कितने का लॉस हो रहा है? $18,000 पे $1 का। तो अभी डॉलर नहीं दिखाने का है, खाली लॉस दिखाओगे 18,000, क्योंकि यहाँ पे डॉलर थोड़ी आ रहा जा रहा है। समझा? क्लियर हुआ? हाँ, पक्का? इसके बाद फिर से पेमेंट करेंगे, फिर से पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? $12,000 एट द रेट 43 ना, अच्छा 46। तो 12 × 46 करो, कितना आ रहा है? 5,52,000। बेचा कितने में था? पैसा कितना आ रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जो भी प्रॉफिट है, FEF अकाउंट क्रेडिट, तो WMS अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट में टू FEF अकाउंट, कितना? $12,000 पे एक, $12,000 का ही प्रॉफिट हुआ। अरे समझा? डायरेक्ट लेजर कैसे बन रहा है समझ में आया? और जिसको नहीं, तो लेजर जर्नल एंट्री से भी बना सकता है। अगर डायरेक्ट समझ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो जर्नल एंट्री जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो, फिर बाद में पोस्टिंग करो। डन? चलिए ठीक है। अब फिर से पेमेंट हो रहा है मार्च में। पेमेंट किया मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। तो बाय कैश और बैंक कितना आ रहा है? $12,000 एट द रेट 43 कितना आ रहा है? 5,16,000। प्रॉफिट हुआ के लॉस? बेचा था 45 में, पैसा आया 43, मतलब $2 का लॉस हुआ। 12 × 2 24,000 का लॉस। जो भी लॉस है, FEF अकाउंट डेबिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? 24,000। साल खत्म होने वाला है, तो साल खत्म होगा तो हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस। बैलेंस का FEF एंट्री पास करते ना, 60,000 का था पेमेंट, 18,000 12,000 12,000 है, मतलब अभी भी 18,000 पेंडिंग है। अगर $18,000 का पैसा मिलता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? हमने कितने में बेचा, मतलब अपने को $1 का लॉस होता $18,000 पे। तो जो भी लॉस होता,
एफईएफ अकाउंट डेबिट, तो इसका अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, तो बाय एफईएफ अकाउंट 18,000। समझाइए, अरे समझा, जो बैलेंस की एंट्री अपन पास करते हैं। अब क्लोजिंग कर लेते, चलिए टोटल करते, $60,000, $60,000 माइनस करोगे इधर $18,000 आ जाएगा, कॉस्ट ले लिया, कॉस्ट ले लिया, माइनस किया $18,000, माइनस किया 7,92,000, डिवाइड करो कितना आ रहा है, देखो 7,92,000 डिवाइड बाय 18,000 करो कितना आ रहा है, 44 आना चाहिए, 44 आना चाहिए। अगर 44 नहीं आया मतलब मिस्टेक है। सर आपको कैसे मालूम 44 आना चाहिए? 31 मार्च का एक्सचेंज रेट क्या दिया है, तो ये 31 मार्च को ही क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं, और डॉलर का रेट वही आना चाहिए, जो भी रेट रहेगा वही। क्लियर है? तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इधर का क्लोजिंग है तो नए साल का वो ओपनिंग बन जाएगा $18,000 एट द रेट 44 के हिसाब से 7,92,000। नए साल में आ गए, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग क्लियर। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में सबसे पहला पेमेंट है, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, इधर आ जाएगा पैसा, तो बाय कैश और बैंक कितना $10,000, डॉलर का रेट है 46, 4,60,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? देखो बेचा था 44 में, पैसा आया $2 का प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है एफईएफ क्रेडिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो टू एफईएफ अकाउंट कितना 10 × 2 $20,000 नहीं लिखेंगे, समझ में आया ना? फिर से पेमेंट किया, वापस पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक कितना 8,000 × 47 कितना हो रहा है, 8,000 × 47 फायदा के नुकसान, बेचा था 44 में, पैसा है 47, $3 का फायदा, 8,000 मतलब 24,000 का फायदा है एफईएफ क्रेडिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। समझ में आ गया पूरा बैलेंस क्लियर, तो प्रॉब्लम टैली हो जाना चाहिए, 18,000 हो गया टैली, इसका टोटल ले लो 7,92,000 प्लस 20 प्लस 24, 8,36,000, वहाँ पे चेक कर लो 8,36,000, कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा, टैली हो गया। दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज लेजर कैसे बनता है, समझ में आ गया? और एक लेक्चर लूंगा और उसके बाद फिर एफईएफ वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है? प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने चालू किया, एक लेक्चर लिया, एफईएफ के बाद फिर प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर्स कंटिन्यू करूंगा ये वीक के अंदर। क्लियर है? पक्का? तो आज इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।